तो चलिए आज की फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आ रही है प्रो राइडर 1000 की तरफ से। तो आपको पता होगा कि प्रो राइडर के डेथ हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं एंड रिसेंटली प्रो राइडर के फादर ने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिस वीडियो में वो अनबॉक्स कर रहे थे एक न्यू हेलमेट की। तो इससे रिलेटेड बीबीजे की स्टोरी पोस्ट किए थे। सोशल मीडिया कितनी बेकार चीज है, कुछ दिन नहीं हुए लड़की को मरे हुए और यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग की जा रही है। सेम यार, 13 दिन तो रुक जाते कम से कम। ऐसा लग रहा है 300 किलोमीटर पर आवर पे बाइक चलाने के लिए आधे जिम्मेदार उसके पापा भी थे, जिन्हें यूट्यूब मनी से ज्यादा प्यार था, अपने लड़के से भी ज्यादा। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। एंड कल प्रो राइडर के फादर की तरफ से एक न्यू ब्लॉग आया जिसमें वो प्रो राइडर के ही स्टाइल में रिएक्शन वीडियो बनाए, आप खुद देख लो। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम अगस्त चौहान और आप सब लोग देख रहे हैं प्रो राइडर 1000 चैनल। सो गाइस, अंदर जाता हूं और पापा को बाहर बुलाता हूं, फिर ब्लॉग हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। सब गलत बोल रहे हैं, अभी ऐसा वो नहीं है। अभी देखो पुलिस रिपोर्ट आएगी, उसमें सारा मैं डिस्क्लोज करूंगा उसको यूट्यूब पे। अच्छा, और हार जाऊं कोई नहीं सकता। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूके जुर्सेवन राइडर एंड जेट प्रभजोत के बारे में। तो क्या जेट प्रभजोत ने फिर से ट्रोल किया है यूके जुर्सेवन राइडर को? तो आपको पता होगा कि यूके जुर्सेवन राइडर अपने बहुत सारे वीडियो में ये बताए हैं कि वो इंडिया के नंबर वन मोटो ब्लॉगर हैं एंड गूगल पर सर्च करके दिखाए भी हैं। लोग मोटो ब्लॉगिंग की कैटेगरी में नंबर वन रैंक करते हैं। नॉट अबाउट द नंबर्स, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो बाबू भैया को ना हमेशा ऐसा करते थे कि भाई क्या ही उखाड़ पाएगा, क्या ही कर पाएगा देहरादून से। तो इसी के ऊपर जेट प्रभजोत की तरफ से आज एक ब्लॉग आया जिसमें वो गूगल पर सर्च करके दिखाए कि यूके जुर्सेवन राइडर इंडिया के नंबर वन मोटो ब्लॉगर नहीं है, आप खुद देख लो। सवाल क्या था कि अभी आपके हिसाब से नंबर वन मोटो ब्लॉगर इंडिया का क्या है? तो जवाब तो आपने वहाँ भी सुन लिया होगा, फिर भी एक बार बता दो। देखो यार, अपने लिए तो अपने जो गुरु है ना, निखिल भाई हो गए, जेएस भाई हो गए, इनको देख के ही हम चले थे, इनको देख के हमने चैनल बनाए थे, इनको देख के हम ड्रीम करते थे कि हमें भी ये बाइक चाहिए, हमें भी निखिल भाई की तरह यहाँ या राइड पर जाना है, जेएस भाई की तरह ये वाली बाइक खरीदनी है। तो आज भी हमारे लिए वही है नंबर वन पे, और आने वाले टाइम तक चाहे मेरे 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, 50 क्या 100 भी हो जाए, जितने मर्जी इन्फिनिटी, लेकिन हमारे लिए नंबर वन पे यही रहेंगे। और यही जवाब था। बाकी एक बार हम गूगल महाराज से पूछ लेते हैं कि हाँ भाई कौन है नंबर वन, भाई चेक करिए एक बार। तो आंसर कुछ ऐसे है, एक मिनट जरा हम देखें। ओ भाई, ये तो बिल्कुल जैसे मैंने बोला था वैसे ही दिखा रहा है। पहले नंबर पे भाई अपने निखिल भाई, दूसरे नंबर पे जेएस भाई, अरे तेरे भाई का नाम भी है जट प्रभजोत, तीसरे नंबर पे फिर दीनो भाई हो गए, और फिर माउंटेन ट्रैकर अपना सलीम भाई हो गया, एमएसके हो गया, स्ट्रीम मोटर एडवेंचर विशाखा आ गई। बहुत सही भाई, बहुत सही। यही कहना चाहता हूं नंबर वन नंबर टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन क्या है ना कि काम किसने बढ़िया किया है। एंड ऑल्सो बात कर लेते हैं यूके जुर्सेवन राइडर के बारे में। तो इनके तरफ से कल एक रील आया जिसमें वो सनी लियोनी से मिले हैं। एंड आज सुबह इनके तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आया जिसमें वो बताया कि सनी लियोनी एंड उनके हस्बैंड पहले से ही उन्हें जानते थे। मॉर्निंग गाइस, आजकल नींद इतनी अच्छी आ रही है ना, बिकॉज जिंदगी में एक ही सेलिब्रिटी क्रश थी मेरी जिनसे मुझे मिलना था, और जिन्हें पता है गाइस उन्हें पता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई वो सेलिब्रिटी क्रश आपके बाबू भैया को जानती थी, पहचानती थी, और उनके जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो उनके पति होते हैं, उनके जो पति पति पतिव्रता वो भी हमें जानते थे गाइस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राजा डीसी के बारे में। तो इनकी तरफ से कल एक ब्लॉग आया जिसमें अपनी KTM RC 390 को सेल कर दिए हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट हम बात करने वाले हैं जानू एस्टेंट के बारे में। तो फाइनली मोटो ब्लॉगर जानू एस्टेंट ने कंप्लीट कर ली है 700K सब्सक्राइबर्स, सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू हिम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एमएसके के बारे में। तो इनकी तरफ से आज एक ब्लॉग आया जिसमें बताया कि वो बहुत जल्द ड्रैग रेस करने वाले हैं यूके जुर्सेवन राइडर के साथ, आप खुद देख लो। उसका BHP भी ज्यादा है, लेकिन राइडर पे भी डिपेंड करता है भैया। चलो हो जाए रेस। लास्ट स्टोरी हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि सौरभ जोशी के ऊपर बहुत सारे वीडियोज बनते रहते हैं, उनको एक्सपोज करते हुए, रोस्ट करते हुए एंड ट्रोल करते हुए। तो इसके ऊपर अपने कल वाले ब्लॉग में वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट किए कि प्लीज ऐसा मत करो। मतलब मैंने एक चीज देखी है, पता नहीं क्या भगवान की कृपा है, जो मेरे साथ में ब्लॉग बनाते हैं ना सबके वीडियो वायरल होते हैं, सबके व्यूज आते हैं भाई 2-3 लाख, कई लोग 1 मिलियन तक चले जाते हैं। और जो नेगेटिव डालते हैं उनके तो जाते हैं भाई 1 मिलियन व्यूज। जो बोलते हैं कि एटीट्यूड है, इसमें मिलता नहीं है, इसने ऐसा बोल दिया, बोला कुछ नहीं होता मैंने। तो प्लीज़ इस तरह से मत किया करो गाइस नेगेटिव वाले, क्योंकि यार मुझे भी बुरा लगता है यार, मैं भी इंसान हूँ यार, कोई मेरे बारे में नेगेटिव डालेगा ऐसे बिना बात के तो बुरा तो लगेगा ही नहीं। आपको तो व्यूज़ मिल जाते हैं लेकिन सामने वाले पे क्या बीतती है ना, वो समझा करो प्लीज। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, गुड बाय।